सम्माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ रखे हैं, मैं उसके बारे में जो चिंताएं व्यक्त की है उसके बारे में मैं निश्चित रूप से उनके बातों से सहमत भी हूँ और कुछ बातों के बारे में खुलासा करना चाहता हूँ। सम्मान्य सदस्य अर्पिता घोष और शंकर प्रसाद दत्ता ये अन्य और कुछ अन्य सदस्यों ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में चिंताएं व्यक्त की है। मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस बिल में क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा मुआवजे की राशि पर किसी प्रकार की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसलिए आप इस बात की चिंता आप मत करिए। दूसरी बात, स्थायी समिति की सिफारिश को मानते हुए यह भी प्रावधान रखा है कि मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा। यदि उन्होंने अपने वाहन का बीमा करा रखा है तो मोटर वाहन मालिकों के ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं आएगी, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया है ना सर, तो ट्रिब्यूनल में जाकर ट्रिब्यूनल निर्णय करने के लिए उनका अधिकार है। ट्रिब्यूनल जो निर्णय देगा, जिसके ऊपर आदेश निकालेगा, वो पैसे देंगे। दावेदारों के दावों को तेज निपटारा के लिए इस बिल में 5 लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान किया है और ये कोई अंतिम सीमा नहीं है और ये मिलने के बाद अगर वो चाहता है तो केस विड्रॉ कर सकता है, नहीं चाहता है तो अपील कर सकता है और इसलिए ये कोर्ट के केसेस कम और तुरंत कुछ ना कुछ मिले इस भावना से इसका निर्णय किया गया। यदि बीमा धारक चाहे तो वह यह राशि स्वीकार कर सकता है, अन्यथा उसके पास क्लेम्स ट्रिब्यूनल जाने का रास्ता खुला है, इसलिए आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं सभी सम्मान्य सदस्यों को एक बार फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बीमा कंपनी के द्वारा दी जाने वाली भुगतान राशि की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है और इसलिए हमने ये निर्णय करते समय सर्वसामान्य नागरिकों के हितों का विचार करते हुए इस बात को हमने स्वीकार किया है। सम्माननीय स्पीकर महोदय, सोलिटियम फंड के बारे में श्री वेणुगोपाल जी, प्रभाकर रेड्डी जी और श्रीमती रत्ना डे जी ने चिंता प्रकट की है। इसके बारे में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह फंड का उपयोग हीट एंड रन के मामलों में मुआवजे का भुगतान करने हेतु किया जाता है। इस बिल में एक्सीडेंट विक्टिम फंड का प्रावधान रखा गया है जिसका हीट एंड रन तथा गोल्डन अवर में घायलों का इलाज करने के लिए उपयोग होगा और इस फंड की स्थापना के बाद ये सोलिटियम फंड इस बार नए फंड में विलय हो जाएगा और इसलिए इसके बाद जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। एग्रीगेटर्स और परमिट आदि के बारे में शंकर प्रसाद दत्ता जी ने चिंता व्यक्त की है, कुछ प्रश्न उठाए। हम एग्रीगेटर्स के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान कर रहे हैं क्योंकि एग्रीगेटर्स ये दावा कर रहे थे कि ये अधिनियम के उनके ऊपर लागू नहीं होता और वे आईटी एक्ट के अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं। सभी राज्य, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, सभी राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ये एग्रीगेटर्स के बारे में पॉलिसी बना सकते, निर्णय कर सकते हैं, इसके बारे में राज्य सरकार को पूरा अधिकार है। हमने राज्य सरकार का कोई अधिकार लिया नहीं है और इसलिए एग्रीगेटर के बारे में और कुछ नियम करना है तो वो कर सकते हैं। जीओएम की सिफारिशों के आधार पर यह प्रावधान लाया गया है। जो जीओएम हमने बनाया था उससे कहने के ऊपर ही लाया था। जहां तक लोक परिवहन सेवाओं का प्रश्न है, सभी अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। अब ये राज्यों के अधिकार में है कि वो स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट है उनके कर्मचारियों के हितों का निर्णय करे या आम जनता को कैसे बेनिफिट मिले, दोनों को संभाल कर कैसा निर्णय करे, ये पूरा अधिकार राज्य सरकार को दिया है। मैं सम्मान्य सदस्यों को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो हमारे पूरे देश की कॉरपोरेशन से अनेक राज्यों में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। वो तनख्वाह तक नहीं दे सकते, गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं कर सकते, कुछ जगह पर उनको डीजल तक उधारी पे मिलता नहीं, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ यूनियन के द्वारा इन कर्मचारियों के अधिकारों की बात भी हो रही है। दोनों बातें अपने अपने समय अपने लिए ठीक है पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को यह सोचना होगा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आम गरीब आदमी स्टेट ट्रांसपोर्ट से लाखों प्रवासी जा रहे हैं, क्या इस देश में उनके लिए कोई क्वालिटी सर्विस हम दे सकेंगे, क्या उनको हम कोई सुविधा दे सकेंगे।
मैं कहना नहीं चाहता, पर कुछ स्टेट में ऐसी बसेस है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है। क्या सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं चिंतित हूं और राज्य सरकार का कोई अधिकार हम लेना नहीं चाहते। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम रूरल ट्रांसपोर्ट के लिए नई योजना की शुरुआत करेंगे और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरी का, दो दिन पहले मेरे यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी और हमारे किरण कुमार जी जो इसरो के चेयरमैन है उनकी मीटिंग हुई और लिथियम आयन बैटरी को हम कमर्शलाइज कर रहे हैं और ये जो डीजल की पुरानी गाड़ियां हैं इसको रिफर्निश करके इसको इलेक्ट्रिक पर लाकर टिकट के रेट कम से कम 50% कम हो, ये मेरी इच्छा है 50% कम हो और इस गाड़ी को 50% टिकट के रेट कम करके एयर कंडीशन गाड़ी में इस देश का गरीब से गरीब आदमी वो बस में घूमे, यही सरकार की इच्छा है। मैं सम्माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में एक बार आइए। सरकार ने वहां की महानगर पालिका में हमने एयर कंडीशन बसेस जो किसानों ने तैयार किए 100% इथेनॉल पर फ्यूल पर ऐसी बस है, ग्रीन बस, उसका काफी फोटो भी आया हुआ है, 55 बसेस है, आवाज नहीं आता, धुआं नहीं निकलता और किसानों ने तैयार किए फ्यूल पर चलती है। अब इसे पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिक बस आई है पर इसमें लिथियम आयन बैटरी की समस्या है। हमने एक IIT को चुना है कि क्योंकि हमारे पास 2 लाख बसेस है और बसेस की हालत जो मैंने बताई, हॉर्न छोड़कर सब बचता है, कुर्सियां नहीं, खिड़कियां नहीं, ऐसी हालत है मेजोरिटी। तमिलनाडु, कर्नाटक, यहां बसेस अच्छी है, कंपेरेटिवली अच्छी है, पर हमारे बाकी स्टेट में, हमारे महाराष्ट्र में भी समस्या है। तो IIT को हम ये कार्यक्रम दे रहे हैं कि एग्जिस्टिंग बस का स्ट्रक्चर यूज करके उसको रिफर्निश करके उसकी डीजल इंजन निकालकर उसको लिथियम आयन बैटरी बिठाएंगे। जो हम लोग 55 लाख रुपए का बैटरी बैकअप है वो हम 5 से 6 लाख रुपए में देकर इस 15 से 20 लाख रुपए में जो 2 करोड़ की बस है उसको 20 लाख रुपए में चकाचक नई बस बनाकर हम गरीबों को टिकट के रेट आधे करके कैसे दे सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। ये कठिन है पर हमने IIT को दिया हुआ है और 2 दिन पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी और किरण कुमार जी जो हमारे इसरो के चेयरमैन है उनको हमने कहा। उन्होंने क्या किया था कि लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी केवल भेल को दी थी, तो मैंने कहा भेल को नहीं, पूरे दुनिया को दो, जो आता है उसको दो ताकि कॉस्ट कम हो जाएगी और हमारी स्कूटर, हमारे सब बातें इलेक्ट्रिक पर चलेगी एज ए फ्यूएल। तो हम इलेक्ट्रिक सरप्लस है, कोल सरप्लस है, पोल्यूशन कम होगा, कॉस्ट इफेक्टिव, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, चारों बातों में होगा, तो हम इसके लिए जरूर कोशिश करेंगे। पर मैं दत्ता साहब को कहूंगा कि आपको बंगाल में यह सोचना होगा कि केवल कर्मचारियों के पगार देना, त्रिपुरा के केवल कर्मचारियों को पगार देंगे तो पहले ही यह कॉरपोरेशन ऐसी हालत में आई है कि बहुत हालत खराब है। तो दोनों का संतुलन रखकर इसमें से कैसे मार्ग निकालना यह राज्य सरकार को सोचना होगा। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार जो भी भूमिका लेगी उसका हम समर्थन करेंगे, पर मेरा अनुरोध रहेगा कि गरीब व्यक्ति का विचार करके उसका अगर विचार होगा तो उसको प्राधान्य मिलता है तो ज्यादा अच्छा होगा और कर्मचारियों का हितों की भी रक्षा होगी। जहां तक स्पीकर महोदय ओवरलोडिंग के बारे में, लेन ड्राइविंग के बारे में, ओवर स्पीडिंग के बारे में, एम्बुलेंस के बारे में, तथागत सतपति, धर्मवीर गांधी, अरविंद सावंत, सुश्री अर्पिता घोष, इन्होंने अपने विचार रखे। ये बात सही है कि हम लोग अभी भी एम्बुलेंस ज्यादा प्रमाण पर दे नहीं पाए। हमारा प्रयास था कि 50 किलोमीटर पर रखेंगे, तो हमने ये तय किया कि एक रेड जोन तैयार किया है कि जहां ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी में ऐसे रेड जोन में जो रोड हमारा नेटवर्क है उसको हम एम्बुलेंस दे रहे, कुछ जगह दी है। पर मैं आपसे आह्वान करूंगा कि जैसे बड़े बड़े संस्थान है, शिरडी साई संस्थान को मैंने ऑफर किया कि आप हमको एम्बुलेंस डोनेट करो, हम लोग रोड पर आपके लिए आपका नाम देकर चलाएंगे। तो CSR में भी कोई NGO, कोई संस्थाएं आगे आती है। तो अभी हमने एम्बुलेंस के भी ऐसा नया मॉडल तैयार किया कि एक एम्बुलेंस में 6 पेशेंट को सुलाकर ले जा सकेंगे, ताकि जब बड़ा एक्सीडेंट बस का होता है तो एक एक समय 40-40, 30-30 लोग जख्मी हो जाते हैं और फिर एम्बुलेंस 2 को लेकर जाती है, तब तक बेचारों की जान चली जाती है।
तो ये हम करने की कोशिश करें, कुछ प्रमाण में हमने किया है और इसको कोशिश करेंगे। ओवर स्पीडिंग के बारे में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैमरे बिठाएंगे सिटी एरिया में, धीरे धीरे आगे आपको पता है इसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। लेन ड्राइविंग के बारे में भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जैसे तीन लेन है तो तीन लेन में आखिरी लेन पर ट्रक ने चलना चाहिए और ये पहली दो लेन जो है वो कार के लिए रखनी चाहिए। और इसलिए देश में जो 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, जो फिटनेस सर्टिफिकेट पोल्यूशन सर्टिफिकेट देंगे, उन ड्राइवर्स को मैनर्स एटिकेट्स सिस्टम लॉज सब की जानकारी का ट्रेनिंग करके हम कोशिश करेंगे कि इसमें निश्चित रूप से सुधार हो। ओवरलोडिंग के बारे में यह समस्या पूरी जगह पर है और इसके लिए अभी नेशनल हाईवे में 380 जगह पर हम वेइंग ब्रिज लगा रहे हैं, हेवी फाइन है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर देश में कम करनी है तो ये दिल्ली से जैसे मुंबई माल आता है या मुंबई से दिल्ली जाता है, तो दिल्ली के रिंग रोड के बाजू हम लॉजिस्टिक पार्क खोलेंगे और 50 टन के ट्रक में माल लाएंगे। तो 50 ट्रक में अगर माल लाए गए तो कॉस्ट कम हो जाएगी और फिर दिल्ली के गोडाउन रखने की जरूरत भी नहीं है, यहां ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन नहीं होगा और वहां छोटे छोटे टेम्पो में जब चाहे माल डीलर के दुकान में आ सकेगा। हमारे देश में एक ट्रक जो है वो 225 से 250 किलोमीटर चलता है और अमेरिका में एक ट्रक 700 से 800 किलोमीटर चलता है। और इसलिए हमारे देश में 18% लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और इसलिए हमने अभी अगले महीने के 3, 4 और 5 तारीख को लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस की है। इसमें एविएशन मिनिस्ट्री है, रोड मिनिस्ट्री है, वाटरवेज है, कोस्टल ट्रांसपोर्ट वाले जो है उसके लिए भी हमने रखा है। और मैं ये सदन में बता चुका हूं कि अभी हमने इनलैंड वाटरवेज में काफी काम शुरू किया है, गंगा में काम शुरू हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें से जो 18% लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो हम लोग डीजल भी हमारा इम्पोर्टेड है, तो हमको जब तक हिंदुस्तान में हम पानी पर ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी पहली प्रायोरिटी पानी पर है। पानी पर अगर समझो 20 पैसे खर्चा आता है तो रेलवे में 1 रुपया आता है और रोड पर 1.5 रुपया आता है। मैं रोड मिनिस्टर जरूर हूं पर मैं रोड ट्रैफिक कम होना चाहिए इस मत का हूं, इसलिए पहली प्रायोरिटी है वाटरवेज को, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे को और थर्ड रोड को। पर यह मेरे लिए भी एक समस्या बनी हुई है कि एक समय 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेंथ थी। आप सबका आग्रह था, कल आपने बताया 159% ट्रैफिक ग्रोथ है ऑटोमोबाइल में और रोड नहीं बढ़ रहे थे, 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे थे, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती थी और आपने ये बात का जिक्र किया था। फिर हमने निर्णय किया कि 96,000 किलोमीटर से हम 2 लाख किलोमीटर तक जाएंगे और 1,70,000 किलोमीटर तक हम पहुंचे हैं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है, उसमें से 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और इस 2% रोड पर देश का 40% ट्रैफिक चल रहा था। पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हमको कहा कि रोड बढ़ाओ, एक्सीडेंट कम होने चाहिए, भारतमाला का प्रपोजल आया, सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड जोड़ने की बात आई। 12 तो प्रपोजल ऐसे है कि मैं उसको रोड कम एयरपोर्ट यूज करने के लिए हमने प्रपोजल तैयार किए हैं कि वहां हवाई जहाज उतरेगा, एयरपोर्ट चला जाएगा और रेलवे का फाटक जैसा ऊपर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, फिर ट्रैफिक बंद हो जाएगा, हवाई जहाज आएगा और उड़ के चला जाएगा। ऐसे 12 भी एयरपोर्ट भी बना रहे हैं राजस्थान की सीमा में, 300 किलोमीटर एयरपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी चेंजेस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपके सुझाव से हमने किए हैं और जब हम 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे करेंगे तो देश का 80% ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे चलेगा। केवल इतना ही नहीं किया है तो 10,000 पीसीयूज का ट्रैफिक अगर होगा तो वहां 4 लेन करेंगे और 20,000 पीसीयूज का ट्रैफिक आएगा तो वहां 6 लेन करेंगे। और हम 11 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं एक्सिस कंट्रोल, उसमें से दिल्ली जयपुर है, दिल्ली कटरा है, हैदराबाद बेंगलोर है, विजयवाड़ा हैदराबाद है, बड़ौदा मुंबई है, दिल्ली मेरठ है। दिल्ली मेरठ का काम जोरों में शुरू है, आपने देखा होगा कि ये स्वामीनारायण मंदिर के सामने 14 लेन का रोड बना रहे हैं हम लोग, 14 लेन। और हमारे राज्य मंत्री आज उपस्थित नहीं है, वो साइकिल चलाते हैं, तो हमने साइकिल को माना है प्रायोरिटी देना है तो रोड के बाजू में साइकिल ट्रैक भी बनाया है। और हमारे सभी लोगों को मैं देश को आह्वान करूंगा कि साइकिल को अपना व्हीकल बनाइए, पोल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, इंडिजिनियस और हाँ हेल्दी भी है।
तो हमारे राज्य मंत्री इसका विशेष प्रचार कर रहे हैं। तो मैं सन्मान्य सदन को बताना चाहूंगा कि अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम काफी बदल कर रहे हैं। हमने पास टेक्नोलॉजी लाई है जो हवा में चलने वाली बस शुरू कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मैं सब बातें बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये नेता ऐसा कुछ बोल रहा है, मैं बहुत कॉन्क्रीट बात कर रहा हूं। पास टेक्नोलॉजी आई है, धौलाकुआ से मानेसर 70 किलोमीटर का हमने टेंडर निकाला है और पहले 3 ट्रायल प्रोजेक्ट हम 1 महीने के अंदर उसका काम शुरू कर रहे हैं। और अब ये हवा में ऊपर के ऊपर स्टेशन होंगे और ऊपर के ऊपर लोग जाएंगे। मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है और जो टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं उसकी कॉस्ट कैपेसिटी उतनी पैसेंजर की है, कॉस्ट 50 करोड़ से कम है। और इलेक्ट्रिक हमारे पास फ्यूल है। और मैंने बहुत से अभी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मैंने कहा कि हवा में चलने वाले पहाड़ी पर ऊपर जाने के लिए रोप वे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे सब टेक्नोलॉजी लाई है। और मेरा विश्वास है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में परिवर्तन करने की बहुत बड़ा प्लान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है और हम इसको पूरा करेंगे। और एक कल मैंने देखा गोवा में कि ये पानी पर चलने वाली और रोड पर चलने वाली एक बस लाने की बात मैंने की थी। सर, पंजाब सरकार ने खरीद ली बस, हमने एक बस खरीद ली, अमेरिका से स्पेशल पेटेंट था, वो बस आई। अब ये सिस्टम में हमारे यहां आई तो ये बस है कि जहाज है? 2 महीने से बस कस्टम ने जब्त करके रखी है। हम कहते ये बस है, हम कहते ये जहाज है, वो कहते ये बस है, वो दोनों भी है। तो उसके ऊपर 225% ड्यूटी लगाई है, अब वो 40% लगे, इसलिए हमारी बातचीत चल रही है। अब पंजाब सरकार ने एक ली, जब मैं गया था बादल साहब के पास तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बस बनाई, अब गोवा में इंडिजिनियस। और मैं आपको आह्वान करता हूं, आपके राज्यों में, आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आपके तालाब में और आपके नदियों में और आपके समुन्द्र में अब पानी पर और रोड पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए आप शुभारंभ करिए। गोवा में इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है, इंडिजिनियस है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। और इसका इंजन भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एलएनजी और डीजल ड्यूएल बने ताकि कॉस्ट इफेक्टिव, और एलएनजी के कारण 75% कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि कैलोरिक वैल्यू ज्यादा है और इससे बहुत बड़ा चेंज होगा। आप वाराणसी से बैठकर गाजीपुर इसी बस में चले जाएंगे, गाजीपुर से और आगे जाएंगे, बालिया तक जाएंगे, बिल्कुल आपके गांव जाएंगे। हाँ, आंध्र प्रदेश ने भी 2 बसेस का ऑर्डर कर दिया, तेलंगाना ने भी किया है। ये बस के ऑर्डर आंध्र प्रदेश के सरकार, मैं कल उनके साथ ही बैठा था रात को गोवा में, आंध्र प्रदेश के सरकार ने ऑर्डर दिया, तेलंगाना के सरकार ने ऑर्डर दिया और इसके स्टैंडर्ड्स हमने बयार किए। अब मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, जनता को आह्वान करता हूं, आपके कॉरपोरेशन में, आपके नदी में, आपके तालाब में, आपके समुन्द्र में, जहां जहां मिलता है वहां वहां ये बस आप चालू करो। इसकी कीमत अभी 225 करोड़ रुपए है, इसके ऊपर 24% एक्साइज है, पर अभी जीएसटी लगने के बाद इसमें कुछ कॉस्ट कम होगा। और आप लोग और मैं दोनों मिलकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कहेंगे कि ये हमारा पोल्यूशन फ्री पानी पर चलने वाला है, नया इनोवेशन है, तो निश्चित रूप से वो भी कुछ सहयोग करेंगे। और देश में ग्रामीण क्षेत्र में नदियों के बाजू में जो गांव है उनको ट्रांसपोर्ट का, गरीबों को अच्छा साधन मिलेगा, इसकी भी शुरुआत हम करेंगे। हाँ, वो विषय आएगा बाद में। मैडम, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पहली बार 111 नदियों को इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट करने का बिल आप लोगों ने मंजूर किया है। उसमें से बंकिंघम कैनाल का जो है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मेरे बीच में करार हुआ है, फिर गोवा की दोनों नदी है मांडवी और जुआरी, तीसरी एक नदी है महाराष्ट्र की जेएनपीटी के पास की, और गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा पर 65 वाटर पोर्ट्स, रिवर पोर्ट्स हमने मंजूर किए हैं, गंगा पर 40 वाटर पोर्ट मंजूर, रिवर पोर्ट मंजूर किए, 3 मल्टीमोडल हब है, 6 शहरों में फेरी सर्विस है। और आज इस सभागृह में बताते हैं, मुझे खुशी हो रही है कि 3,000 करोड़ रुपए के काम गंगा में पूरी तरह जोरों में शुरू है। और आप जो ड्रेजिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए वर्ल्ड बैंक के लोन से हम लोग वाराणसी से हल्दिया तक, हल्दिया से बंगाल के खाड़ी से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक और बांग्लादेश चितगांव तक, और कल जो हमारी प्रधानमंत्री जी आई, हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि बांग्लादेश की ब्रह्मपुत्रा जहां जाती है वहां भी हम 250 करोड़ रुपए बांग्लादेश को दे रहे हैं, 20% वो डाल रहे हैं, वहां भी ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग हम कर रहे हैं।
दावा कर रहा है। आप लोग कुछ किया ना, अभी कर रहे हैं ना। ऐसा है, देखो आपको मैं सम्माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ, एक तो कुछ लोग समझते हुए भी नासमझ हो जाते हैं। आप हल्दिया के पोर्ट में हमारी सरकार आने के पहले 450 करोड़ रुपए ड्रेजिंग के लिए खर्चा होता था। मद्रास आईआईटी और ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, नई चैनल हमने ओपन की, अब हर साल 450 करोड़ रुपए नहीं तो 200 करोड़ में ड्रेजिंग का काम शुरू है और ये हमारे सरकार ने करके 250 करोड़ बचा। आप दूसरी बात, हल्दिया से लेकर वाराणसी तक ये पहले ट्रैक में हमने करीब 2000 करोड़ रुपए ड्रेजिंग के काम के लिए रखे हैं 5 साल के लिए, हर साल ड्रेजिंग होगा और उसमें से 4 ड्रेजिंग के कार्यों का शुभारंभ हो चुका है। वो ड्रेजर गंगा में काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। आप बंगाल के होने के बाद भी प्लीज अधीर रंजन जी प्लीज, मैं थोड़ा आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि गंगा में ही 4 जगह ड्रेजिंग का काम अभी शुरू है, आप जरूर मेरे पास आइए प्लीज। अधीर रंजन जी, व्हाट इज द व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस? फराक काका मंत्री जी, फराक काके गेट का काम शुरू है, ये विषय थोड़ा बिल अलग है, ये इंग्लैंड वाटरवेज और गंगा के काम पर आप मेरे पास आइए, आप और जहाँ कहीं होगा मैं आपको और मदद करूंगा, आप आइए। अधीर रंजन जी प्लीज, नो नॉट लाइक दिस, यू डोंट आंसर समथिंग, ऐसे प्रश्नोत्तर नहीं होंगे। अधीर रंजन जी प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे भाषण के बाद मंत्री जी सब मेरे भाषण के बाद काम करते हैं, सब उत्तर मिलेंगे, बट नॉट लाइक दिस। बैठिए, नो ये नो, दिस विल नॉट डू। स्पीकर महोदय, आइए मैं मदद करूंगा, आप आइए प्लीज। स्पीकर महोदय, एक बात सच है जिसमें सभी सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, वो शराब पीकर ड्राइविंग करना, और इससे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इसलिए वेणुगोपाल जी, अरविंद सावंत जी, इन्होंने अपनी बात रखी है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईपीसी में संशोधन करके इसके बारे में कड़ी कार्रवाई, इसलिए हमने गृह मंत्रालय को लिखा है। और ये भी बात जरूरी है कि रूल्स ऑफ रोड के बारे में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को मैंने एक पत्र लिखा है, और जो प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, इसमें रूल्स ऑफ रोड के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में कुछ अच्छे लेसन्स, कुछ जगह कार्टून फिल्म के द्वारा, कैंपेनिंग के द्वारा, मैं अभी एडवर्टाइजमेंट देते हैं रेडियो पर, मेरा संदेश देता हूं, बहुत सी बातें जा रही है और लोगों को हम कह रहे हैं कि भाई ये मत करिए। अभी एक कंपनी ने एक प्रपोजल दिया है कि आप ड्राइविंग करके अगर शराब पीकर बैठोगे तो स्मेल के कारण आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। बैठिए वीरेन जी, बैठिए। मैं सम्मान्य सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इसके बारे में ये जो मोटर व्हीकल एक्ट और इसका जो कानून है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के कंट्रोल में आता है और हमने राज्य सरकार के अधिकार बढ़ाए हैं। तो इसके बारे में रोड के ऊपर जो पार्किंग होता है, दारू पीकर गाड़ी चलाने में आईपीसी लगता है, कहीं ना कहीं ऐसी छोटी मोटी बातें कानून और व्यवस्था के कारण आती है। जिस प्रकार से हमने एक ट्रांसपोर्ट नीति के आधार पर जो भूमिका यहां तैयार की है, मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार के भी ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को मैंने आह्वान किया है, वो भी इसके बारे में जरूर निर्णय करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है गुड सैमरिटन के बारे में, इसमें कानूनी हिसाब से निर्णय हुआ है। वेणुगोपाल जी और श्रीमती किरण खेर के कथन से मैं सहमत हूं कि इसमें डॉक्टर और नर्स को भी लाए। कोई अच्छा आदमी जब किसी को मदद करता है, हॉस्पिटल ले जाता है, तो उसी को तकलीफ होती है, पर इसके बारे में हमारे डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इश्यू किए हैं और जो मदद करता है ऐसा कोई भी व्यक्ति हो उसको किसी प्रकार की तकलीफ पुलिस के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ये आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हमने कहा है,
और किरण जी आपने मुझे कहा, ये बात हमारे ध्यान में नहीं आई थी, पर अब इसमें डॉक्टर और नर्स को भी लिखकर नया ऑर्डर निकालेंगे ताकि उनको भी कोई तकलीफ होनी है, क्योंकि डॉक्टर एडमिट करने के लिए तैयार नहीं होते। एक सीरियस पेशेंट होता, पुलिस आके उसको पूछते क्यों किया ट्रीटमेंट, क्या किया, क्या हुआ, तो वो बोलते हमको एक्सीडेंट वाला ले जाओ। तो आपकी बात सही है, तो डॉक्टर और नर्स दोनों को भी हमने इसमें निश्चित रूप से संरक्षण देंगे। परंतु ये जो और नियम बनाने हैं, इसमें इंडियन मेडिकल काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल के प्रावधानों का भी थोड़ा अध्ययन करके, कौन सा, यस यस, इट इज ऑलरेडी डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो इट इज मैंडेटरी ऑन द गवर्नमेंट दैट वी हैव टू टेक दैट डिसीजन एंड वी विल इश्यू द ऑर्डर। प्लीज प्लीज सर, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाएगा सर, वी विल डू इट, आई विल प्रॉमिस यू विल डू इट। मैडम मैं बड़ा होने दो, फिर आप पूछिए, मैं देता हूं। एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सम्मान्य सदस्य ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं के बारे में, मैडम मैं पहला मंत्री हूं जो मेरे डिपार्टमेंट के खिलाफ मैं बोलता हूं, और ये जो हमारे डिटेल प्रोजेक्ट डीपीआर बनाने वाले, इनको मैंने एक बार कहा कि अब अगर तुमने गलती की तो तुम्हारा नाम निकाल निकाल कर 302 तुम्हारे ऊपर डालूंगा, यहां तक मैंने कहा। और ये बात सच है कि पुराने समय में, मैं क्षमा मांगता हूं, आप अल्लाह मत लो, आप पुराने सरकार ने प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए अंडरपास काट दिए, ब्रिज काट दिए, ये दिल्ली जयपुर का रोड एक्सीडेंट का कितना बड़ा ट्रैप बना है। मैं हमारे बजट से 4 फ्लाईओवर और 6 अंडरपास बना रहा हूं, मैंने कहा कोई मरेगा नहीं, आदमी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए अभी हम निर्णय किए हैं कि रोड के बाजू में क्रैश बैरियर लगाएंगे, जहां रोड बीच में क्रॉसिंग होगा सोलर लाइट सिस्टम लगेगी, सिग्नल सिस्टम, दोनों बाजू में मार्किंग अच्छा होगा, मार्किंग के पेंट में स्पेशल पेंट जो है जो रात को उसके लिए थोड़ा सा चमक आएगी ताकि ड्राइवर को समझ में आए, जो स्पीड ब्रेकर्स है उसमें सुधार किया, और हिमाचल प्रदेश में तो मैंने कहा सब जगह आप ये क्रैश बैरियर लगाओ, कोई बस खाई में नहीं गिरनी चाहिए। और इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया है उधर पूरे पूरे आदमी लोग, जो मर्द लोग है पूरे के पूरे मर गए। हिंदू के अंदर में एक आर्टिकल आया हुआ था, उसका नाम है विडोज विलेज बोल के, आज तक ऐसा विलेज को आप लोगों ने, आपकी भावना को दिया हुआ। देखो जितेंद्र जी प्लीज प्लीज, ये इस तरीके से देखिए, आपने मुझे पहले बताया ये 11,000 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया और 786 ब्लैक स्पॉट्स मंजूर किए हैं और उसके इम्प्रूवमेंट का काम शुरू किया है। और आपके ये काम मेरी यादगार ऐसी है कि आप जिस दिन मुझे ऑफिस में मिलकर ये बताया उसी दिन मैंने तुरंत ऑर्डर पास किया था। फिर भी आप एक बार आइए, मैं आपको जरूर करेंगे, यस आई विल डू इट प्लीज प्लीज। इसलिए मैडम ये दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर रोड में गड्ढे रखते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। पहली बार इस बिल में ये प्रोविजन किया है कि खराब सड़क के लिए और एक्सीडेंट के लिए जो डीपीआर बनाने वाला डिजाइनर है और कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमने जिम्मेदार मानने का निर्णय इस एक्ट में किया, और इसके बारे में उनको फाइन भी होगा। मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ हमने फाइन की तरतूद रखी है, अभी फिलहाल थोड़ी कम रखी है, पर आगे चलकर ये शुरुआत हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस डर के कारण कॉन्ट्रैक्टर अगर ऐसे ही काम करेगा तो आगे उसको ब्लैकलिस्टेड करने की भी बात हम करेंगे, ताकि इस प्रकार की आदत हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। माननीय स्पीकर महोदय, विदेशों में छोटा सा काम होता है, रात को लोग मेहनत करते हैं, तुरंत कवर करते हैं, फटाफट काम करके चले जाते हैं, और हमारे देश में 3-3 महीने 4-4 महीने साल भर रोड खोद के रखते हैं, रोज लोग बैठते हैं, गाड़ियां गिरती मरते, कोई चिंता नहीं करता। और इसलिए पहली बार ये प्रावधान रखा है और इसमें हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ट्रॉमा सेंटर के बारे में नेटवर्क मजबूत करने का सुझाव आया है, इसमें से 50 किलोमीटर पर महत्वपूर्ण अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी केयर के बारे में हम कुछ हॉस्पिटल्स को इम्पैनल करने का काम कर रहे हैं। इसमें अभी तक ज्यादा काम हम नहीं कर सके, पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उनको हम कोई ऐसे ट्रॉमा के लिए जो आवश्यक एपरेटस इक्विपमेंट्स है क्या हम उनको दे सकते हैं, जिससे लोगों की जान बचाने में यशस्वी होंगे, तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। कुछ सदस्यों ने ड्राइवर की शैक्षणिक योग्यता के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं अरविंद सावंत जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भाषा के ज्ञान से संबंधित बातों को हमने नियमों में शामिल किया है और इसलिए निश्चित रूप से इसकी चिंता करेंगे।
श्रीमान वेणुगोपाल जी ने कहा कि पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम एक समान हो। वेणुगोपाल जी, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इस कानून का है कि अब उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, महाराष्ट्र का व्यक्ति कहीं भी लाइसेंस महाराष्ट्र में ले सकता है, और कोई अगर गाड़ी खरीदता है एक जगह पर तो उसका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में कहीं भी कर सकता है। ई गवर्नेंस है पूरा, और इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस और ई गवर्नेंस के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनेगा। अब मुझे ये कहना नहीं चाहिए पर सच्चाई है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैडम महोदया ये सदस्यों की क्षमा मांगकर मैं कभी ये सवाल पूछूं तो एम्बैरेसिंग होगा, कितने लोग ऐसे हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में जाके परीक्षा देकर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस लिया है? स्पीकर हाँ, कुछ लोग हैं, पर स्पीकर महोदया बड़े लोग, बड़े पत्रकार, बड़े लेखक, बड़े कवि, बड़े नेता घर में बैठकर लाइसेंस लेते थे। मैडम, इस बिल को पास होने के बाद मैं मंत्री होने के बावजूद भी मैं घर बैठे लाइसेंस ले नहीं सकता। अब कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको जाना पड़ेगा, कंप्यूटर टेस्ट लेगा, कंप्यूटर पास फेल डिक्लेयर करेगा, रिकॉर्ड आरटीओ ऑफिस में भेजेगा, 3 दिन के अंदर लाइसेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आरटीओ के ऊपर कार्रवाई होगी, उसको सजा होगी। तो ये इसमें पूरे इसमें आया। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनेगा, मैं जानता हूं लोग चार चार जगह लाइसेंस है उनके, दिल्ली में कार्रवाई की वो गया तो दूसरे 3 स्टेट का है। अब ये रजिस्टर बनने के कारण द गाड़ियों की चोरी होगी ना, बोगस ड्राइविंग लाइसेंस रहेंगे। जो हिमाचल प्रदेश में गुनाह करेगा उसका रिकॉर्ड हमारे इसमें तुरंत आएगा कि कितने साल से लाइसेंस मिला है, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक पूरा आएगा, ई गवर्नेंस, तो अब कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो ये पहली बात, तो इसके इस कानून के कारण इसका उपयोग होगा। वरद प्रसाद राव जी को मैं बताना चाहता हूं कि इसका उपयोग हमने आधार के साथ ऑनलाइन आवेदकों को सत्यापन करने के लिए उसका दिया है, इसको आधार के साथ जोड़ा है, क्योंकि देश में ये गाड़ियां चोरी होती है, नंबर प्लेट बदलती है, पार्ट्स चोरी जाते हैं। अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई है मैडम कि आप उसके एक एक पार्ट्स पर इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग है, उसके आधार पर पता चला कि कौन से गाड़ी का पार्ट कहां बदला और गाड़ी कहां चोरी हुई है। तो ये नियमों की कठोरता के कारण गाड़ी चोरी करने वाले लोगों का भी काम खत्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ बोगस ड्राइविंग लाइसेंस लेकर काम चलाने वाले लोगों का भी काम अब समाप्त हो जाएगा। ये इसकी बहुत बड़ी देन है और यह पूरा ऑनलाइन होगा। श्रीमती सुष्मिता देव को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाते समय आप बिल्कुल याद रखिए कि मैंने पूरा बिल 18 राज्यों के 10 पॉलिटिकल पार्टी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे उनके साथ, उनको यूनुस खान अध्यक्ष थे, उनकी 5-7 मीटिंग हुई, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट बाली करके है, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, और कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगुदेशम, टीआरएस सभी, और सबने आकर उसमें सॉल्यूशन देकर जो ड्राफ्ट दिया है वो हमने स्वीकार किया है। फिर स्टैंडिंग कमेटी में मुकुल राय जी आए, उन्होंने पूरे स्टेट के लोगों को बुलाया, स्टेट के मंत्रियों को बुलाया, सेक्रेटरियों को बुलाया, आरटीओ कमिश्नर को बुलाया, उनसे उनने चर्चा किया, फिर उनने सुझाव दिए। ये बिल बनाते समय हमने सभी लोगों को विश्वास में लेकर काम किया है, और ये आम आदमी के सुरक्षा का विषय है, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें हम राज्य सरकार का सहयोग लेकर ही आगे जाएंगे, राज्य सरकार के पूरे सुझाव का गंभीरता से विचार करेंगे और राज्य सरकार को पूरी मदद करेंगे। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, स्पष्ट बोलना है, राज्यों के सीमा पर जो ट्रांसपोर्ट के पोस्ट होते हैं, चेक पोस्ट, मैडम इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं महाराष्ट्र में नागपुर में रहता हूं, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्ट में हमारे लोग जाते हैं, मैडम बहुत गड़बड़िया है। हम किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का करप्शन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सहन नहीं करेंगे, ऑनलाइन गवर्नेंस लाना ही होगा, करप्शन को समाप्त करना ही होगा, और नाकों पर लोगों को रुका रुका कर, रुला रुला कर पैसे वसूल करने का धंधा बंद करना होगा, ये नहीं चलेगा, ये बात में हम पक्के हैं, और इसके लिए मैं आपसे सहयोग मांगता हूं, और ये इसके लिए हम लोग राज्य सरकार से करेंगे। मैडम, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के बारे में व्यापक सुधार करने के लिए हम सक्षम होंगे। ये विधेयक नागरिकों को सरलीकृत एवं उत्तम सेवाएं देने में सहायक होगा, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन ये सब इसमें है। राज्यों के परिवहन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ग्रामीण, शहरी परिवहन एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी में व्यापक परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित उनको तुरंत मुआवजा मिलेगा, और जो ब्राजील में हुआ, मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी, इस बात का संकोच होता है, क्या दुनिया में हमारा नाम इसके लिए आ गया कि सबसे वर्ल्ड में एक्सीडेंट कहां लोग होते हैं, कौन लोग ज्यादा मरते हैं, तो हमारा देश, और सब वहां उसकी चर्चा होती है। अमेरिका में वहां गया था और मुझे कह रहे थे लोग, वो अमेरिकन लोग और बाकी लोग, मिस्टर गडकरी आप बहुत सीरियस होकर सोचना चाहिए। मुझे लगा कि ये कितने हमारे देश के लिए कमी है, और इसलिए मैं इस सदन के सम्माननीय सदस्यों को बहुत हृदय से आह्वान करता हूं कि मैं आपके अध्यक्षता में हर जिले में एक कमेटी अपॉइंट कर रहा हूं, और इस कमेटी को उस जिले की रोड सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहा हूं। वहां का म्यूनिसिपल रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सिटी रोड, आप कमेटी कलेक्टर होगा, एसपी होगा, आप विजिट करिए, और जो एक्सीडेंटल स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, उसको इम्प्लीमेंट करने के तुरंत आदेश उस संस्था को, एजेंसी को दीजिए, और आप और हम सब मिलकर कम से कम आने वाले ये 5 साल हमारे जब पूरे होंगे तो देश में कम से कम 50% लोगों की जान बचाने का काम हम करें। मैडम, मैं कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग अभी 23 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैंने मार्च एंड में 16,800 किलोमीटर का रिकॉर्ड इंडिया का इतने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए है, 5.5 लाख करोड़ के काम दिए, पर ये बड़े काम नहीं है। ये तो रोड बड़े बनेंगे ही, पर जिस दिन हम 50% लोगों की जान बचाएंगे वो हमारा सबसे बड़ा काम होगा, यही हमारा मिशन है। और इसलिए नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यस प्लीज प्लीज आप देखिए। सर मेरा 2 मिनट में पूरा हुआ। मिनिस्टर Please listen to me, Mr. Minister. No, I am sorry, this will not go on record. Nothing will go on record. Mr. Gadkari, I am sorry. You please, 1 minute. देखिए, नहीं नहीं, मैं बता दूँ। I am sorry. No, this will not go on record. मैडम महोदय, मिस्टर मिनिस्टर, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, जिसको मैं अलाउ करूंगी उसी का उत्तर आप दोगे। माननीय स्पीकर महोदया, ये रोड सेफ्टी के एक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, सभी मंत्री परिषद, उन्होंने भी काफी सुझाव दिए, सबके सामने प्रेजेंटेशन हुआ, और सड़क सुरक्षा के मामलों को सरकार ने बहुत सीरियसली लिया है। अध्यक्ष और स्पीकर महोदया, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि आज बिल पास होने के बाद में भी यह मंथन चलता रहेगा, शायद हमारे हाथ से कुछ बातें छूट भी सकती है, फिर भी हम लोग बिल्कुल ओपन है। आपको जब जब भी जो सुझाव लगते हैं आप जरूर लेकर आइए, और उन सुझाव के ऊपर अगर हमको लगता है कि यह करना चाहिए तो हम निश्चित रूप से करेंगे। रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं मैडम, ये हमारे कोर्ट ने बहुत डिसीजन दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन देते हैं, हाईकोर्ट भी देते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर हमारे संविधान में हमारे यहां लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, मीडिया और उसके साथ जुडिशियरी, या 4 स्तंभों पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है, और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में हर स्टेक होल्डर की उसके अधिकार, जिम्मेदारियां, मर्यादा लिखी हुई है। और हर समय हमको कभी कभी ये समस्या खड़ी होती है कि बहुत से बार अनेक जजमेंट ऐसे आते हैं कि जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं और उसके कारण कभी कभी काम रुक जाता है। मैं देश के सभी स्टेक होल्डर्स को, विशेष रूप से आप हमारी लेजिस्लेटिव विंग है, मीडिया हमारी है, एग्जीक्यूटिव विंग इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और जुडिशियरी विंग को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बायोफ्यूएल पर, अल्टरनेटिव फ्यूएल पर, पोल्यूशन को कम करने के लिए, ऑटोमोबाइल केस में सुधार करने के लिए, सुरक्षा के लिए, रोड इंजीनियरिंग के लिए, ऐसा एक क्षेत्र नहीं है कि जिसमें सरकार संवेदनशील नहीं है, पर कुछ समय सरकार को सभी बातों को सोचना होगा। एक कायदा 15 साल का ट्रक बार कर दो, एक सरदार जी बेचारे परिवार को लेकर मेरे ऑफिस में आए, नीचे बैठ गए, बोले साहब आप मुझे बताइए, मैंने कर्जा लिया हुआ है, मैं घर नहीं चला सकता, और मेरा ट्रक अगर आपने कल से बंद कर दिया तो इन बच्चों को मैं कैसे खिलाऊं, बैंक कर्जा करके मेरा घर जब्त करेगी, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ मार्ग निकालेंगे। सरकार को सभी स्टेक होल्डर्स को सोचते हुए
इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचकर निर्णय करना होगा। और इसलिए मैं ये स्टेक होल्डर जो लोकतंत्र के चारों, उनसे अनुरोध करूंगा कि हम इसके ऊपर लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें वो भी हमको सहयोग करे। उन्होंने जो जो बात की है उसको हम निश्चित रूप से अमल में लाएंगे। आखिरी में प्रदूषण के बारे में भी जो मापदंड है उसके बारे में भी आपने चिंता व्यक्त की है और हमने ये भी तय किया कि 1 अप्रैल 2020 से हम यूरो 6 इसके इमिशन नॉर्म्स को हम लोग मैंडेटरी करने जा रहे हैं और इसके कारण पोल्यूशन में भी कमी होगी। और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने आश्वस्त किया है कि इसके लिए लगने वाला फ्यूल वो उपलब्ध कराकर देंगे। मैडम, मैं अनुरोध करूंगा सदन के सभी सदस्यों को कि ये देश के हित में है, लोगों की जान बचाने के लिए है, इस सेक्टर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म करने के लिए है और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि पूरी यूनानिमस इस बिल को पास करके हम लोग सहयोग करें, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लोकसभा में आए हैं हम सभी, स्वागत करते हैं आपके तरफ से और लंबी उम्र उनको दे और लंबे तक जिए और देश की सेवा करते रहे।